आपको बता दें होली करीब है और एक हफ्ते का वक्त बचा है, लेकिन ब्रज में होली का रंग अभी से चढ़ चुका है। कान्हा की नगरी ब्रज के अलग अलग हिस्सों में रंगोत्सव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां के मंदिरों में जमकर रंग और अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। राधा की नगरी बरसाना में बड़ी धूमधाम से लड्डूमार होली मनाई गई, जहां बरसाना की होलियारों ने कान्हा और उनके शाखाओं को लठमार होली खेलने का न्योता दिया। रास रंग और फाग की मस्ती, ब्रज में चढ़ा होली का खुमार, रंग गुलाल हो रसिया गायन, ये ब्रज की सतरंगी होली के रंग हैं। कान्हा और राधा की नगरी मथुरा वृंदावन बरसाना में होली की रंगारंग शुरुआत हो चुकी है। मंदिर से लेकर ब्रज की गलियों तक सभी लोग होली के रंग में सराबोर हो रहे हैं। होली की धूप और ढोल की थाप पर थिरकते यहाँ मौजूद लोग यहाँ के माहौल में चार चांद लगा रहे हैं। ब्रज की होली देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों में भी मशहूर है। देश विदेश से लोग यहाँ खास तौर पर होली खेलने आते हैं और उस भाव को महसूस करते हैं जो राधा और कृष्ण के प्रतीक के रूप में यहाँ जर्रे जर्रे में बसा हुआ है। ब्रज में पारंपरिक तरीके से होली मनाई जाती रही है और जिसकी शुरुआत बरसाना से हुई। बरसाना के प्रमुख श्रीजी मंदिर में बड़े ही धूमधाम से लड्डू होली खेली गई। बरसाना की लठमार होली से ठीक एक दिन पहले खेली जाने वाली इस लड्डू होली का ब्रज में विशेष महत्व है। इस दिन नंदगांव के हुरियारों को न्योता देकर पांडा बरसाना लौटता है, जिसका सभी लड्डू फेंक कर स्वागत करते हैं, जिसे हम लड्डू मार होली के नाम से जानते हैं। नंदगांव का पांडा ब्रज बरसाने आया, नंदगांव से पांडा श्री जी के महल में लठमार होली का न्योता देने के लिए आता है, तो इसी उस पर फिर लड्डुओं की बारिश की जाती है और लड्डू बरसाए जाते हैं। दूसरे दिन फिर लठमार होली रंगीली गली से शुरू होती है, पूरे गली मोहल्लों में बरसाना के गोस्वामी समाज द्वारा रंगीली होली का आयोजन किया जाता है। तो नंदगांव का पांडा आता है जी, क्या निमंत्रण देने आता है, किस लिए उस पर लड्डू फेंके जाते हैं? वो इसीलिए आता है कि कल माँ बाप के यहाँ होली खेलने के लिए आएंगे, तो फिर उसके लिए मिठाई के रूप में लड्डुओं के बूंदी के लड्डू बनाए जाते हैं, वो भोग के रूप में दिए जाते हैं उनके लिए। लड्डू होली की शुरुआत, लड्डू से और होली की शुरुआत होती है। ब्रज में लठमार होली की परंपरा बेहद प्राचीन है और बरसाना को इसका केंद्र माना जाता है। बरसाने की लठमार होली के विश्व प्रसिद्ध होने की वजह है इसका परंपरागत स्वरूप। देखिए कैसे यहाँ पहुँचे लोगों में लड्डू पाने की होड़ लगी है। कहते हैं कि जिसे ये लड्डू मिलता है उसे राधा कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये रंगारंग नजारा भी देखिए, जब न्योता पाने के बाद हर तरफ मस्ती का रंग चढ़ा दिखा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, होली खेलने में अच्छा लग रहा है। ब्रज की होली, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतना कि हम यहाँ फर्स्ट टाइम आया है, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। लड्डू होली की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो आज भी कायम है उसी उत्साह और उमंग से। हुरियारों के साथ कृष्ण भक्त भी लड्डू होली का लुत्फ उठाते नजर आए। यही नज़ारा है जो यहाँ की होली को अलग, खूबसूरत और अनोखा बनाता है। मथुरा से मातुल शर्मा की रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।